सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। अक्सर 40 से 50 साल की उम्र में महिलाओं को नींद कम आना, पीरियड साइकिल छोटी होना, चिंता और तनाव समेत कई स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लक्षण प्रजनन हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोटेस्टेरोन में कमी के कारण होता है। इस उम्र में महिलाओं को मेनोपॉज होता है, साथ ही मेनोपॉज में होने वाली परेशानियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कई महिलाएं हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कराती हैं, जिसे HRT भी कहा जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और ये करना सेफ है या नहीं। हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बेसिकली जब आई है तो वो एक्चुअल में तब दी जाती है जब बॉडी में हॉर्मोन्स जो हैं नेचुरली ओवरीज जो हैं वो एक पैटर्न से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं। तो जो हॉर्मोन्स, जैसे अगर ये दिक्कत इम्बैलेंस की एडोलेसेंट या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, मतलब 20s एंड 30s में होती है, तब हम एक्सटर्नली फीमेल को हॉर्मोन्स देते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की साइकिल्स में, ताकि उसकी अंदर की इंट्रिंसिक हॉर्मोन्स है वो सप्रेस हो, और उसके बाद जब हम वो विड्रॉ करते हैं देन बॉडी एक तरीके से रिबूट करती है, वो ओवरीज होती है फिर से पैटर्न को फॉलो करना सीखती है। तो ये अब करने की जरूरत होती है जब एडोलेसेंट या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में दिक्कत रहती है। देन अगेन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रॉपर है, जिसे मेनोपॉजल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी MRTB कहते हैं, वो तब दी जाती है जब फीमेल अपने मेनोपॉज की तरफ प्रोग्रेस करती है, यूजुअली इन देयर 40s, लेट 40s एंड अर्ली 50s। तो जब बॉडी में हॉर्मोन्स खत्म होने लगते हैं, यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बॉडी से डिप्लीट करने लगते हैं, और इनकी डिप्रिवेशन की वजह से फीमेल को मूड स्विंग्स आना और बहुत हॉट फ्लशेस होना, गर्मी लगना या इररेगुलर ब्लीडिंग होना, ये पैटर्न्स चेंजेस बॉडी में शो होते हैं। तो उस वक्त भी फीमेल को हार्मोनल एक बैलेंस पे रखने की जरूरत होती है, और तब भी हम उसको ये MRT जो है देने की जरूरत पड़ती है। देखिए, इसमें ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि आप किस पर्पस के लिए वो हार्मोनल थेरेपी पेशेंट को देना चाहते हैं। अगर वो हार्मोनल थेरेपी एडोलेसेंट में या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एनोवुलेशन, एग नहीं बन रहा है, उसकी वजह से दी जा रही है, तो उसके अलग रीजंस होते हैं, उसके अलग पैटर्न होता है और उसकी अलग ड्यूरेशन होती है कि कब तक आप उसको देंगे। देन अगेन अगर आप उसको मेनोपॉज एज ग्रुप में या 40s में देना चाह रहे हैं, 50s में देना चाह रहे हैं, तो उसका पर्पस भी डिफरेंट होता है, उसका ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है और उसको देने का तरीका भी डिफरेंट होता है। देन अगेन जब भी हार्मोनल थेरेपी दी जाती है स्पेसिफिकली टुवर्ड्स पेरीमेनोपॉज 40s की एज ग्रुप में, तब कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है फीमेल के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हेल्थ। तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है या नहीं है, उसकी कार्डिक हेल्थ, उसका कोई कार्डिक हिस्ट्री उसकी ऐसी रही है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। देन ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, चूंकि ये बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं लिवर से, तो इस वजह से जो लिवर के डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं, डेफिनेटली उसमें भी प्रिकॉशंस एंड कॉशन हैज टू बी टेकन बिफोर प्रिस्क्राइबिंग दीज हॉर्मोन्स। देन अगेन चूंकि ये हॉर्मोन्स बॉडी में अलग अलग जगह एक्ट करते हैं एंड दे ऑल्सो एक्ट ऑन द फीमेल ब्रेस्ट एज वेल, सो इफ फीमेल हैज एनी प्रायर हिस्ट्री ऑफ फीमेल ब्रेस्ट ग्रोथ और ब्रेस्ट मास और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन हर फैमिली, देन अगेन देर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट हैज टू बी टेकन एंड सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस दैट नीड टू बी डन बिफोर प्रिस्क्राइबिंग दीज हॉर्मोन्स। सो डेफिनेटली ये हॉर्मोन्स शुड ऑलवेज बी टेकन बिफोर व्हेन यू कंसल्ट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड डिस्कस ऑल द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, देन ओनली दीज थिंग्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए, जब एक फीमेल जो है एडोलेसेंट में एंटर करती है, जब उसको कहते हैं कि पीरियड्स आने शुरू होते हैं उस बच्ची को, तो उसको कहा जाता है कि शी हैज रीच्ड अ फेज दैट इज मेनार्की, दैट मींस उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अब जब वो स्टार्ट होता है तो बेसिकली ऐसा तो नहीं था वो ऑर्गन्स वहां पे उसके बर्थ से थे, बट देयर इज अ पॉइंट वेयर शी हैज रीच्ड, देन ब्रेन में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हॉर्मोन्स बनाना शुरू करते हैं और उनकी पीक एक पैटर्न पहुंचता है जिसके बाद ओवरीज जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक पैटर्न से ओवुलेशन स्टार्ट करती हैं और वही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू करती हैं एक लेवल पर। तो
अगर उस पैटर्न को, उस एक्सेस को आप, हम उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सेस, HPO एक्सेस, उस एक्सेस को सेट होने में, सेटल डाउन होने में एटलीस्ट 1 to 2 years भी लगते हैं. तो उस एडोलेसेंट बच्ची में ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि साइकिल्स इरेगुलर हों या साइकिल्स हैवी हों. तो ऐसे में अगर उस बच्चे को सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिलता, या बिकॉज ऑफ आर टैबूज दैट वी हैव इन आर सोसाइटी, शी इज नॉट एबल टू टेल दिस प्रॉब्लम टू हर फैमिली, टू हर मदर, हर गार्जियन, देन दिस प्रॉब्लम टेक्स अ बिग टोल ऑन हर हेल्थ एज वेल एज ऑन हर लाइफ एज वेल. क्योंकि ऐसे में, ऐसी बच्चियों में एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हैवी ब्लीडिंग की वजह से कभी कभी उनको दिक्कतें भी होती है, एंड हेल्थ इश्यूज के साथ दे कैन कोलैप्स ऑल्सो. तो जो बेहोश हो जाना, कमजोरी हो जाना, और वीकनेस रहना बॉडी में, थकान रहना, पढ़ाई ना प्रॉपर कर पाना, तो ये सारी फेजेस, उनसे ड्रॉप आउट हो जाना, तो ये दिक्कतें जो होती हैं एडोलेसेंट में कॉमन होती हैं इफ दे आर नॉट कंसल्टिंग एंड टेलिंग दीज प्रॉब्लम्स टू सम एल्डर पर्सन. तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ. तब तक के लिए नमस्कार.